फिन वैसे तो नैब ने बड़ी रिकवरीज की, बहुत कुछ बताया जाता है, अरब हर रुपया जी नैब ने रिकवर किया, लेकिन नैब की अपनी सूरत हाल क्या है? अच्छा, नैब ने जो रिकवरीज की हैं उसका नेशनल एक्सचेकर में दखूल होने का कोई डॉक्यूमेंट है? जिस तरह से इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम है कि एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून, उनसे वो जो बरतानिया से रकम आई थी वो नेशनल एक्सचेकर में नहीं जाने दिया गया, वो बाकायदा लौटा दिया गया, ये लंबा गेम है। नैब के ऐब खुलकर सामने आने को हैं, लेकिन आज़ाद इदारा इस मामले में मुदाखलत कर रहा है। कल हमने जिक्र किया था कि पाकिस्तान में हर इदारा अगर अपनी हदूद में रह करके अपने काम पर फोकस करे तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन शुमी किस्मत के ख्वाहिशात पर यहाँ इदारे नहीं चलते। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को डीजी नैब लाहौर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। डीजी नैब लाहौर को बुलवाया गया था, साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस इन्वर्टेड कॉमाज में कह रहा हूँ, एक और बार कह देता हूँ ताकि ज़्यादा जोर पड़े, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को भी बुलवाने की बात की गई थी। और ये तमाम बातें इस वजह से हुई थी कि वो जो खातून थी तैयबा गुल, जिन्होंने अपने साथ वो होने वाले मामलों पर लब कुछ आई अभी की, उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान दौर में उनके साथ उनके शौहर के साथ क्या सलूक किया गया। चेयरमैन नैब की तो खुली खुली वीडियो भी मौजूद है, अगर उनको लटकाना हो, उनको सज़ा देनी हो तो वही काफ़ी हो जाएगी, लेकिन जाहिर है कि नज़रिया ज़रूर है, जब तक यहाँ फल फूल रहा है पीसीओ जिंदाबाद तो तब तक ये हो नहीं सकता। तैयबा गुल की जानिब से संगीन इल्ज़ाम के बाद साबिक चेयरमैन नैब और डी जी नैब लाहौर सलीम शहजाद को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नूर आलम खान साहब ने, उनकी तमन्ना थी कि उनको तलब किया जाए, और यह भी धमकी दी गई थी कि अगर वो नहीं आए तो उनको गिरफ्तार करवा के लाया जाएगा। लेकिन जनाब, तरकीब नंबर 313, यहाँ जो काम आप नहीं कर सकते हैं अदालतें पार्लिमानी कार्रवाई ज़रूर कर सकती हैं, मुदाखलत अलबत्ता नहीं कर सकती, लेकिन तरकीब नंबर 313 के ज़रिए से ये काम यहाँ पर हो गया। मैं एक बात ऑन रिकॉर्ड बता दूं, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब वाइल बीइंग चेयरमैन नैब, उनसे मेरी जब गुफ्तगू हुई उन्होंने मुझसे किसी खास मुद्दे पर, चलो मुद्दा भी बताता हूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुमने बड़ा शोर डाल रखा है, हमें घर जाकर के बड़ी सुननी पड़ती हैं, हमारी बेगम तुम्हारा प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हैं, ये आमिर कियानी और ये जो परवेश खटक है इनके हवाले से तुमने बड़ा रौला पाया हुआ है, हमें 3 महीने का टाइम दे दो, क्योंकि ये लोग करते क्या हैं, ये लोग अदलिया को बीच में ले आते हैं। अब मुझे पता है, मैं खुद एक जज रहा हूँ, कि यहाँ अदलिया की तरफ से जब कोई काम होता है ना तो बड़ा रफड़ पड़ जाता है। मैंने सर आपको कितना टाइम चाहिए, उन्होंने कहा 3 महीने, मैंने कहा 4 महीने दिया, 5वें महीने से आपका नाम स्क्रीन पर लूँगा, उन्होंने कहा डन। 5वें महीने से मैंने रौला पाना शुरू कर दिया, छठे महीने उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहाँ से इमरान खान को कन्विंस करके और एक ऑर्डिनेंस पास करवा दिया। जब मैं ऑफिस आया हूँ तो पता चला एक लव लेटर पड़ा हुआ है कि जी फलाने ऑर्डिनेंस की रोशनी में आप नैब और चेयरमैन नैब का नाम नहीं ले सकते। अब आप बताइए, ये इतने फुर्तीले होते हैं ये लोग अपने मामलात के लिए, अपने मफादात के चक्कर में। और पूरे दौरे इख्तदार में जब तक इमरान खान मौजूद रहे, हजरत इमरान खान, तब तक हमने इशारों गिनायों में चेयरमैन नैब का नाम लिया, लेकिन हमारी जरूरत नहीं हुई, क्योंकि जाहिर है कि हमें भी यही रहना है, आजाद इदारा हमें रौन देगा बुला करके, फिर हम क्या करेंगे। अब यहां पर पीएसी की कार्रवाई पर उन्होंने कहा है कि जी स्टे ऑर्डर नहीं दे रहे, तमाम उन्होंने वारंट जारी करने के इकदाम से रोक दिया है। दूसरी जानब एक और रिलीफ नैब को मिला है, नैब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इख्तियार को ही बुनियादी तौर पर जो है वो चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया कि 24 जून को कमेटी ने दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया, और नैब ने दायरा इख्तियार से तजावुज़ क्या किया था ये भी सुन लीजिए, नैब अफसरान के असासाजात की तफसीलात तलब की थी, यानी नैब दूसरों के ऐब गिनता चला आ रहा है। खुली बात है, 50,000 दफ़ा हमारे प्रोग्राम में डिस्कस हुआ, ओवरऑल मीडिया पे अखबारात में कॉलम्स लिखे जाते हैं, लोग वीलॉगर्स बात करते हैं जुबान जदयाम है कि भाई वो इदारा जो सबको अपनी आमदन से ज्यादा असासों में घेर लेता है, वो आपसे बरसों पुरानी खरीदी हुई एक बनियान या एक चप्पल की रसीद मांगता है। अब आप कहाँ से बनियान की रसीद या चप्पल की रसीद दिखाएंगे, जाहिर है आपने फंसना तो है, 2,00,000% फंसना है। उस इदारे के अफसरान, उस इदारे के आला उदेदारान, उनसे कोई इस मुमलिकत में सवाल नहीं कर सकता, और अगर उनके नाम में जस्टिस लग गया, अल्लाह की पनाह, फिर उनसे तो आप बात ही नहीं कर सकते, क्यों, ये सीधा सीधा कौमी मफाद से पंगा लेने वाली बात है। और अगर आपने कौमी मफाद को छेड़ दिया तो आपकी अगली पिछली 700 नस्लें खा जाएंगे, सिर्फ इस चक्कर में कि आप रॉ के एजेंट हैं, आप फला के एजेंट हैं, आपके अकाउंट में वहां से पैसा आ रहा है, मैं यहां से घर में निकलने नहीं पाऊंगा, अकाउंट में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन ये है। बड़े बड़े होटलों पर, बड़ी कुर्सियों पर बैठने वालों की असल हकीकत।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।